हे डायमंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो डायमंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ग्रैनी चैप्टर 1 के कुछ ग्लिचेस बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ग्लिच नंबर 1 के लिए आपको प्ले हाउस के बाहर जाना है, प्ले हाउस को अनलॉक करना है, इसके अंदर जाना है। चलो इसका भी अनलॉक करता हूँ, जब भाई अनलॉक, बस ग्रैनी ना आ जाए। अभी यहाँ पे जो सामान है उसको बिना कॉक व्हील के कैसे लें, पहले तो आपके हाथ में कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने आपको एकदम पीछे पुश करना है। बाद में जो ब्राउन कलर का पैच है, इसके आपको एकदम सेंटर में पॉइंट करना है। बाद में वहाँ पे जो भी चीज़ होगी आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मुझको रस्टी पैडलॉक की मिल चुकी है। चलिए गाइस, ग्लिच नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस ग्लिच के लिए पहले तो आपको वास ले लेना है। यहाँ पे मैंने ये वास ले लिया है। चलो गाइस, अभी रूम के बाहर चलते हैं। अभी वो जो ऊपर सामान पड़ा हुआ है, इसको बिना क्रॉसबो और शॉटगन के कैसे लें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो शाइनिंग एरिया ना, अभी देखना है यहाँ पे शाइन हो रहा है, वहाँ पे आपको वास को फेंकना है। अभी देखता हूँ सामान नीचे गिरा नहीं गिरा। अभी सामान वहाँ पे नीचे गिरा है, अभी फिर से वास फेंकता हूँ, फिर ये सामान नीचे गिर जाएगा, फिर आप इस सामान को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी वास को फेंका, अभी आवाज़ आई, मतलब कि सामान नीचे गिर चुका है। और गाइस, ऐसे आप विदाउट यूजिंग क्रॉसबो और शॉटगन सामान नीचे गिरा सकते हो। चलिए गाइस, ग्लिच नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए पहले तो आपको ग्रैंड के घर से बाहर जाना पड़ेगा। ये जो आप बड़ा सा प्लैंक देख रहे हो ना, जो कि सबसे बड़ा सबसे चौड़ा है, ये आपका सामान सीवर में पहुंचा सकता है विदाउट यूजिंग स्पाइडर की। आपको क्या करना है, इसके पास जाना है, इसके ऊपर चीज़ें इसके ऊपर जो सामान आपको भेजना है उसको आपको 2-3 बार फेंकना है। पहली बारी में नहीं किया, दूसरी बार फेंकता हूँ। अरे तू चले जाना, अरे तंग मत कर, ठीक है, फेंका दोबारा। आवाज़ आई, मतलब कि सामान अभी सीवर में जा चुका है, वहाँ पे जो एस्केप करने का रास्ता नहीं होता, सामान वहाँ पे पहुँच गया है। चलो गाइस, ग्लिच नंबर 4 बताता हूँ। ग्लिच नंबर 4 है कि यहाँ पे आप जो भी चीज़ आप मतलब कि इधर ट्यूबवेल में फेंकोगे, ये बाहर आ जाएगी। जैसे कि मैं रस्टी पैडलॉक ही फेंक रहा हूँ, ये क्या है, वो सामान बाहर आ जाएगा। चलो गाइस, ग्लिच नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये जो ग्रैनी का ये वाला बेड होता है, इस बेड के ऊपर कैसे चढ़ें, क्योंकि अगर आप इस बेड के ऊपर चढ़ोगे ग्रैनी आपको नहीं मार पाएगी। पहले आपको लैम्प को नीचे गिराना है, बाद में आपको इसके लेफ्ट साइड से ऊपर चढ़ना है। राइट साइड से चढ़ोगे आप ऊपर नहीं चढ़ पाओगे, आपको इसकी लेफ्ट साइड से ऊपर चढ़ना है, फिर आप बेड के ऊपर चढ़ जाओगे। गाइस, कभी कभी आप बेड के ऊपर चढ़ोगे तो आप मर भी सकते हो, कभी कभी नहीं भी मर सकते हो, अभी आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। ग्लिच नंबर 6 और लास्ट ग्लिच इस वीडियो का, उसके लिए आपको ऊपर जाना है। ये जो ग्रैनी की ये वाली अलमारी है, इसके ऊपर कैसे चढ़ें, अगर आप इसके ऊपर चढ़ जाओगे ग्रैनी आपको नहीं मार पाएगी। आपको यहाँ पे क्राउच होना है, अभी आहिस्ता आहिस्ता करके आगे जाना है। अभी आप इस अलमारी के ऊपर चढ़ के हो, और अगर आप इस अलमारी के ऊपर बैठे होगे ना, ग्रैनी आपको नहीं मार पाएगी। तो ऑल राइट गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसी लॉन्ग और शॉर्ट अमेजिंग गेम प्लेस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लेट। बाय बाय गाइस।